अंजू लता मंडल माननीय सदस्य पहली बार बोल रही हैं सदन में। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस ऑगस्ट हाउस। सर, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी इज भद्रक ओडिशा एंड आई एम द फर्स्ट वोमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी भद्रक। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर ब्रिजेस एट भद्रक रानीताल मारकोणा एंड बाहनगा रेलवे स्टेशन शुड बी गिविन प्रायोरिटी। Public and passengers are facing lot of problems because of the traffic issues. Honorable Speaker sir, through you again I request Honorable Minister of Railways to give due attention to resolve the above issues relating to railways of my constituency. Thank you. Jai Odisha. Shri Gopal Ji Thakur. आपने मुझे इस सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे इस मिथिला के धरती से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जो जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बिहार सरकार द्वारा दरभंगा में अवस्थित डीएमसीएच की 200 एकड़ की भूमि पर एम्स निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित करके जांच प्रतिवेदन मंगाया गया, जिसमें कुछ त्रुटियां दिखाई गई है महोदय, जिसका निराकरण भी संभव है। अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को हर वर्ष प्राकृतिक आपदा बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए, ताकि उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला के लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में एम्स निर्माण हो जाने से लगभग 7 करोड़ लोगों का लाभ इससे मिलने वाला है और मिथिला क्षेत्र का चिर प्रतीक्षित मांग भी पूर्ण हो सकेगा। धन्यवाद। श्री उत्तम कुमार रेड्डी।